लॉकडाउन के मद्देनजर झारखंड बंगाल सीमा को सील करने के बाद लोग एक दूसरे राज्य में प्रवेश करने के लिए तरह तरह का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। सड़क मार्ग को छोड़कर बराकर नदी के रास्ते सीमा में प्रवेश कर रहे थे कुछ लोग। वैसे स्थिति में पुलिस के लिए लोगों को रोक पाना बेहद मुश्किल हो रहा था और इसके लिए पुलिस ने ग्रामीण युवकों की टोली बनाकर उन्हें जिम्मेदारी दे दी है और ये पूरी जो तस्वीर है यहाँ का जायजा लिया है हमारे राजेश ने। खड़े हैं बराकर नदी के किनारे जो झारखंड और बंगाल की सीमा को जोड़ती है। आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, जो कुछ युवक खड़े हैं, उनके बारे में मैं बता दूं आपको कि वो ये जो युवक हैं, इनको पुलिस ने एक तरह से यहाँ पे तैनात किया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे शिकायतें मिल रही थी कि बंगाल से अवैध रूप से यहाँ पे लोग प्रवेश कर रहे हैं, जो अभी बिल्कुल लॉकडाउन के तहत बिल्कुल मना है कि किसी भी तरह का बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना है। बावजूद उसके लोग सड़क के रास्ते ना आ करके ये नदी के रास्ते को चुना, ताकि पुलिस की नज़र उन पर ना पड़े और वो आसानी से झारखंड में प्रवेश कर सके, ये झारखंड वाले लोग बंगाल में प्रवेश कर सके। तो यही वजह थी कि इन लोगों को यहाँ पे तैनात किया गया। और एक तरह से इन लोगों को कहा जा सकता है ये लोग भी एक कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, दिन रात अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, अपना सब कुछ यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे आकर के अपना ड्यूटी इतनी अच्छी तरह से ये लोग कर रहे हैं कि एक भी लोगों को यहाँ प्रवेश नहीं होने दे रहे हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ के एक युवक से, अब बताइए क्या क्या आप लोगों की ड्यूटी क्या है और कैसे ये मामला कैसे पकड़ में आया? जी, हम लोग का ड्यूटी है, जैसे कुछ दिन पहले 150 की संख्या में आदमी वहाँ से आ रही थी, गाँव वालों को पता चला, जैसे हम लोग को पूछताछ किए तो वो लोग बोला कि हम लोग मेदनीपुर में काम करते हैं और यहाँ से हम लोग नदी पार करके बेगूसराय जाएंगे। तो हम लोगों ने पूछा कि आपको नदी पार करने का आदेश कौन दिया, तो उन्होंने बताया कि बंगाल पुलिस हम लोग को सहायता की और बंगाल पुलिस ने बताया उसको कि ये नदी पार करो और वो बिहार है। आसानी से कोई भी अवैध रूप से अनाधिकार रूप से झारखंड में प्रवेश कर सकता है और इन सब को देखते हुए ही पुलिस ने ऐसे पहरेदारों को लगाया है यहाँ पर जो उन लोगों को रोक सके और वैसे कोई भी अवैध काम नहीं होने दे जो इस लॉकडाउन का उल्लंघन करता हो। राजेश शर्मा, न्यूज 11, भारत, निरसार।